हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल कर लें। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन एक सेटिंग है जिससे हमारे गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट को अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है, जिसे कोई हैक नहीं कर पाता है। और अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो ये सेटिंग आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि अगर कोई हमारी जीमेल आईडी को हैक कर लेता है तो वो आपके यूट्यूब चैनल को आसानी से यूज़ कर सकता है। और अगर हम अपने जीमेल अकाउंट पर ये सेटिंग ऑन कर लेते हैं तो हमारी जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर सकता, चाहे उसे आपका पासवर्ड ही क्यों ना पता हो। जैसे अगर आप ही अपनी जीमेल आईडी को किसी दूसरे फ़ोन में साइन इन करना चाहते हैं तो वो नहीं होगी, क्योंकि उसे साइन इन करने के लिए परमिशन देनी होगी, वो भी अपने फ़ोन पर। जब तक आप अपने फ़ोन से उस आईडी को परमिशन नहीं देंगे वो दूसरे फ़ोन में साइन इन नहीं होगी। तो ये बेनिफिट मिलता है हमको टू स्टेप वेरिफिकेशन में। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस सेटिंग को कैसे ऑन करना है। सबसे पहले हम हमारा जीमेल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ ऊपर हमें हमारी प्रोफाइल दिख रही है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमारी आईडी के नीचे ऑप्शन आ रहा है गूगल अकाउंट का, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ हमें दिख रहा है सिक्योरिटी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम इसे जिस भी ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं उसे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये सेटिंग हम ब्राउज़र से ही कर पाएंगे। इस इंटरफेस में टू स्टेप वेरिफिकेशन की कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, जिसमें लिखा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल होने के बाद आपके जीमेल अकाउंट को कोई भी पर्सन आपकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता, किसी डिवाइस में साइन इन नहीं कर सकता है, फिर भले ही उस पर्सन को आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड ही क्यों ना पता हो। तो हम यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें हमारे जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डालना होता है, तो हम डाल देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इस इंटरफेस में हमें फिर से ये बताया जा रहा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के बाद किसी भी फ़ोन में आपके जीमेल अकाउंट को ओपन किया जाता है तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसे अगर आप परमिशन देते हैं तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा, और अगर आप परमिशन नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट साइन इन नहीं होगा। तो हम यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब इस इंटरफेस में हमें यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, क्योंकि अगर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है तो हम हमारे जीमेल अकाउंट को किसी दूसरे फ़ोन में साइन इन करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे उसी फ़ोन पर जाएगी जो खो चुका है। तो उस सिचुएशन में हमारे फ़ोन नंबर से वेरीफाई किया जाएगा कि ये हम ही हैं, और फिर हम हमारा जीमेल अकाउंट किसी भी डिवाइस में साइन इन कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम कोड या OTP किस तरह से रिसीव करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज से। तो आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर दीजिए, हम यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम सेंड पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये कोड हमारे मैसेज में आ चुका है, तो हम उस कोड को यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इस इंटरफेस में हमें टर्न ऑन का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेते हैं। तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ ऊपर से हम इस सेटिंग को टर्न ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक करते हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे जाते हैं। देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और उसे कोई दूसरा साइन इन नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।